इस टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या फर्क है? अगर तो आप किसी के साथ एरोगेंट हो रहे हो, इट मींस यू आर टीचिंग देम एरोगेंस। जब टीचर का नाम आता है तो एक साथ चीज आ जाती है, भरोसा। मेरे नजदीक इश्क देने का नाम है, किसी को कुछ देखने का नाम है। मतलब आप कम्युनिकेशन की बात करें, इंसान जो है वो सारी जिंदगी स्टूडेंट रहता है। तो इसमें नॉलेज का कोई किरदार है इसमें? जिन स्टूडेंट्स और टीचर में भरोसा ज्यादा होगा तो उस क्लास की जिंदगी ज्यादा होगी। उरूज कौन है एक लाइन में बताओ? और मुझे वाकई में उससे इश्क है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे कोई गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। आजकल की टीचर्स या भी टीचर हैं जो अपनी माँ का और बाप का रोल प्ले करते हैं, जो है ये मुश्किलों से भरी हुई किसी चीज़ का जो है वो नाम है इश्क। बंदा है शाइनिंग स्टार बन जाते हैं, उसको सस्टेन रखना बहुत मुश्किल होता है, वो आप कैसे रखते हैं? आपका प्रोफेशन और आप पैशन मिल जाता है, उसे हम कहते हैं इश्क। मीन्स के आपने वेलकम टू तलाशी स्टूडेंट के दी, बहुत बहुत शुक्रिया उरूज आने के लिए, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उरूज आप टीचिंग करते हैं और ट्रेनिंग भी कराती हैं, इस टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? ज़्यादातर लोग जो हैं वो टीचिंग और ट्रेनिंग को एक ही चीज़ समझते हैं, मगर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। टीचिंग अगर मैं कहूँ तो किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या फिर जो थ्रेटिकल बेस्ड कि किसी को कोई चीज़ आप बता दें, तो ये टीचिंग जो है वो ज़्यादातर जो है इसको अगर इसकी डेफिनेशन भी अगर आप लोग देखते हैं तो ये हमारे पास टीचिंग है। लेकिन ट्रेनिंग के अंदर जो है वो किसी की ग्रूमिंग करना या फिर किसी की जो कैपेसिटी बिल्ड करना है, इसको जो है वो हम ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, तो जब टीचर का नाम आता है तो एक साथ चीज़ आ जाती है भरोसा, और वो भरोसा स्टूडेंट के साथ, अपनी कोलीग्स के साथ, अपने रिश्तेदारों फैमिली के साथ, ये भरोसा क्या है? भरोसा ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी अपनी स्टूडेंट के साथ कैसे खूबसूरत बना सकते हैं? उनकी बात सुन के या फिर जो भी वो कहना चाहते हैं वो सुनकर आप अपनी बात भी उन्हें सुनाए और उनकी बात भी सुने, तो ये भरोसा जो है वो मज़ीद बिल्डअप हो सकता है। मतलब आप कम्युनिकेशन की बात करें कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, अच्छा इसमें दो टाइप के टीचर्स होते हैं, एक टीचर वो होता है जो सारे स्टूडेंट उनको पसंद करते हैं, उसके क्लास में जाना चाहते हैं, एक टीचर ऐसे होता है कि जिसके क्लास में कोई नहीं जाना चाहता, अरे यार ये फिर दोबारा उसकी क्लास आ गई, तो ये क्या वजह होती है? भरोसे की कमी। ठीक है, भरोसे की जो कमी है वहाँ पे, यानी कि जैसे मैंने बताया कि भरोसा ज़िंदगी है, तो जिस स्टूडेंट और टीचर में, जिन स्टूडेंट्स और टीचर में भरोसा ज़्यादा होगा तो उस क्लास की ज़िंदगी ज़्यादा होगी, और जिन स्टूडेंट्स में और टीचर में भरोसा कम होगा उस क्लास की ज़िंदगी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो भरोसा है ये स्टूडेंट और टीचर के दरमियान बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टडी पे? कोई इफ़ेक्ट आ जाता है जब भरोसा स्ट्रांग हो, जब टीचर के साथ मोहब्बत स्ट्रांग हो? जैसे कि अभी आपने बताया ना कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लास में सब स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, सब पहुंच जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स टीचर्स होते हैं जिनकी क्लास में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा जो है वो नहीं होते हैं। तो ये बात तो यहीं पे मतलब इसी तरीके से आती है कि ये भरोसा या फिर जहाँ पर कम होगा तो वो वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कम पहुँचेंगे, और जहाँ पे भरोसा ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा पहुँचेंगे। इसमें नॉलेज का कोई किरदार है इसमें? जिस क्लास, देखें अगर तो हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठे हैं, तो मेरी जो नॉलेज डिलीवरी है वो ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ पर मेरी नॉलेज डिलीवरी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और मैं अच्छे तरीके से जो है वो उनको पढ़ा पाऊँगी। और स्टडी अगर भरोसा ही नहीं होगा, जब एक मैं किसी की बात नहीं सुन रही या कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा, तो वो क्लास फिर कैसे आगे चलेगी? तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने के साथ साथ वही जो कम्युनिकेशन की बात आती है कि आप बात सुने या फिर किसी की बात, मतलब अगर ऐसा ना हो कि आप ही बोलते रहें और अगले की बात आप ना सुने, तो वहाँ पे फिर नॉलेज जो शेयरिंग है वो पॉसिबल नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहता है, इंसान स्टूडेंट रहता है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, आज मैंने आपसे कुछ सीखा, आपने मुझसे कुछ सीखा, हम किसी और से कुछ जो है वो चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप जो है वो मतलब सीखने का प्रोसेस चलता रहता है। और जितना भरोसा स्ट्रांग हो, जितने आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, इतना मोहब्बत हो जाता है, इश्क पैदा होता है, तो क्योंकि हमारे शो का नाम ही इश्क है, तो ऑब्वियसली हम इश्क के ऊपर बात करेंगे, फिर रिश्तों के ऊपर तो बात करेंगे। ये जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, ठीक है, और इस खूबसूरत रिश्ते को अगर और ख़ूबसूरत बनाना है तो टीचर को और क्या क्या काम करना चाहिए, लाइक अपनी स्किल्स को डिवेलप करने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? टीचर्स एक्चुअली जो टीचिंग की जहाँ तक मैं बात कहूँ तो ये तो पैगंबरों का पेशा रहा है कि वो मैसेंजर्स जैसे वो मैसेज दिया करते थे आगे आगे कि हमारे पास जो भी हैं टीचर्स जो हैं, जो पैगंबर थे वो भी टीचर्स ही एक तरह से मैं उन्हें कह सकती हूँ। तो आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा
बहुत अच्छा जो है वो शोभा है टीचिंग का, लेकिन ये कि आपको इसके साथ डेफिनेटली एफर्ट्स के बगैर तो मैं बिना तैयारी के लेक्चर नहीं दे सकती, यानी कि मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हुए बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकती, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अब डिपेंड ये करता है कि अगर तो मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ तो मैं लेक्चर बिना प्रिपेयर किए भी क्लास में जा सकती हूँ, और जो है वो हो सकता है स्टूडेंट्स को अगर समझ नहीं भी आती है तो आई डोंट केयर कि मतलब अगर नहीं समझ आ रही तो इट्स ओके फाइन बस ठीक है, लेकिन ये कि टीचर को तो जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। टीचर ना सिर्फ आपके क्लास का टीचर है, आपके सब्जेक्ट का टीचर है कि वो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, बल्कि वो शायद आपको आपका वो कहते हैं कि रूहानी माँ या रूहानी बाप भी आपका जो है वो होता है कि आपको सिखा रहा है मुसलसल के आप जहाँ पे कहीं पे स्टक हो रहे हो तो टीचर आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप वहाँ से निकल। जब रूहानी माँ और बाप का जहाँ पे नाम आता है तो क्या आपको लग रहा है कि जो आजकल की टीचर है, आप भी टीचर हैं, जो अपनी माँ का और बाप का रोल प्ले करते हैं उस बच्चों के साथ उस तरीके से मोहब्बत, उस तरीके से शफकत, उस तरीके से इश्क करते हैं जैसे वो अपने बच्चों से करते हैं, या कोई गैप है इसके दरमियान? बहुत इसका बस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। इसमें इस तरीके से होगा कि टीचर्स जो अच्छे टीचर्स हैं उन वो अपने स्टूडेंट के साथ शफकत से पेश आना ये ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके बगैर आप टीचर बन नहीं सकते हो। अगर आप शफकत से किसी से बात नहीं कर सकते हो इट मीन्स यू आर नॉट अ टीचर, कि आप अगर तो आप किसी के साथ एरोगेंट हो रहे हो इट मीन्स यू आर टीचिंग देम एरोगेंस, तो आप उसको एरोगेंस सिखा रहे हो, और जैसे अगर आप शफकत से बात कर रहे हो तो मीन्स कि आप शफकत सिखा रहे हो। तो टीचर्स मोस्टली मेरे नज़दीक या मेरे कलीग्स वगैरह जिनको मैं देखती हूँ तो वो शफीक टीचर्स हैं, लेकिन कुछ टीचर्स जो हैं वो थोड़े से रूड भी हैं, बट ये कि समटाइम्स जो है वो बस ये तो हर एक का अपना अपना पढ़ाने का या अपना अपना कम्युनिकेट करने का अंदाज़ है, कोई जो है गुस्से से भी कम्युनिकेट करता है, कोई प्यार से कम्युनिकेट करता है, बट द थिंग इज़ के कम्युनिकेशन तो जो है वो चलती रहती है। इश्क क्या है आपके हिसाब से? इश्क जो है ये मुश्किलों से भरी हुई किसी चीज़ का जो है वो नाम है, इश्क इंतहा को कहते हैं। इश्क इंतहा को कहते हैं? इश्क इंतहा है, यस। कभी इश्क किया है? हाँ। किस चीज़ से? इश्क में अगर मैं किसी इंसान से मुंसलिक अगर आप इस सवाल को करेंगे तो मैं आई लव माई मॉम, मैं उनसे इश्क करती हूँ, और उनको खुश देखने के लिए या उनको आराम देने के लिए आई कैन डू एनीथिंग। ओके सही है। इसके अलावा किसी काम से या किसी दूसरे इंसान से? आई लव माय प्रोफेशन एज वेल, मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन है। ठीक है सही है। तो उसमें जब आपको ये पता चला था कि ये आपका प्रोफेशन आपका पैशन है, ठीक है, तो उसको आपने और क्या क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने टीचर बनना है तो उसके लिए आप मुख्तलिफ कोर्स करते हैं या मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन करते हैं या पढ़ते हैं या कोई और चीज़ आप करते हैं, फोटोग्राफर आप बनते हैं तो उसके लिए आप कोर्स करते हैं। जब आपको इश्क मालूम हो जाता है उसको नेक्स्ट लेवल लेकर जाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पर डिवेलप करने के लिए क्या क्या किया था आपने? बहुत एक लंबा सफ़र है जिसको तय करके आज यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। जैसे मैंने बताया कि इश्क जो है वो इंतहा का नाम है, और अगर आपको किसी चीज़ से इश्क है तो फिर इंतहा पे तो आपको जाना पड़ता है, और मेरे नज़दीक इश्क देने का नाम है, किसी को खुश देखने का नाम है। किसी से कुछ ले लेना इश्क नहीं है या किसी को पा लेना इश्क नहीं है, उसको दे देना, उसको खुश देखना, ये चीज़ जो है वो इश्क है। जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात रही कि जब आपको पता चला कि आपका प्रोफेशन आपका पैशन है आपका इश्क है तो आपने क्या किया, मैंने इसको आइडेंटिफाई करने में मुझे टाइम लगा, बट द थिंग इज़ कि जब मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया, काम चीज़ें वगैरह जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी भी ग्रूमिंग की, और मैंने कोशिश की कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी उसको किसी ना किसी तरीके से मैं ग्रूम कर सकूँ। स्टिल आई एम डूइंग दिस, मतलब अभी भी आई एम माई सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लेकिन ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें अच्छी चीज़ें जो मुझे पता हैं, नॉट नेगेटिव चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें मुझे पता हैं वो अगले बंदे तक ज़रूर डिलीवर हों या उस वो इस इन चीज़ों से ज़रूर सीखे। ठीक है सही है। सो उन टीचर को क्या एडवाइस या क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपने कहा माँ का रोल बाप का रोल अदा करते हैं जो अदा नहीं करते? ये भी मुमकिन है कि उनका प्रोफेशन उनका पैशन ना हो। मैंने तो आजकल ये चीज़ भी देखी है कि जब भी हमारे यंग ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनको बोला जाता है आप ना स्कूल में टीचिंग कर लें, आपको कोई जॉब नहीं ना मिली जब तक तो आप टीचिंग कर लें, इस वजह से मतलब आप जो है वो देख लें, बट आई थिंक इसकी ये चीज़ उनका पैशन नहीं है। बट अगर आप टीचर हैं और आपको स्टूडेंट्स के सामने बिठाया गया है तो आपको अपना रोल प्ले करना है, बिकॉज यू आर बिल्डिंग द जनरेशंस, कि अगली आने वाली जनरेशन का जो बिल्टअप है जो उनका मेकअप है वो आपके हाथ में, वो आपसे सीखेंगे, आप जो कहेंगे हो सकता है कि वो आपकी तरह बन जाएं, या वो ये कोशिश करें कि क्योंकि टीचर ऐसा है तो मुझे कभी ये नहीं करना है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप पे इफ़ेक्टिव हैं, और हम किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
इस दुनिया में भी और जो है वो आने वाली ज़िंदगी में भी हम जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं। और टीचिंग जो है ये बहुत महज़िब और बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव किस्म का जो है प्रोफेशन है, तो बी सिंसियर विद योर जॉब, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ आप डोंट प्ले विद योर स्टूडेंट्स। जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है और जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन बनते हैं, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, सही है, तो आप उसमें खुश रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, इश्क कहते हैं। जब आपका प्रोफेशन और आप पैशन मिल जाता है उसे हम कहते हैं इश्क। मीन्स के आपने तलाश कर लिया इश्क, अगर आपका प्रोफेशन ही आपका पैशन है तो आपने तलाश कर दिया। जब तलाश कर लेते हैं, एक बंदा है शाइनिंग स्टार बन जाते हैं, उसको सस्टेन रखना बहुत मुश्किल होता है, वो आप कैसे रखती हैं? किसी भी चीज़ को अगर तो आप किसी चीज़ से इश्क करते हैं तो उसे सस्टेन रखने के लिए आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। यानी कि फॉर इंस्टेंस मैं अगर एक बीज है उसको मैं बोती हूँ, पौधा जो है वो बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको रोज़ पानी देती हूँ, उसकी देखभाल करती हूँ, उसे सूरज से बचाती हूँ, कभी कभी मैं उसे सूरज के सामने रख भी देती हूँ, तो इन चीज़ों को टेक केयर करते हुए मैं क्या करती हूँ, उस पौधे को मैं ग्रो करती हूँ। अगर वो पौधा मुरझाने लगेगा और मुझे वाकई में उससे इश्क है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं देख सकती कि मेरे साथ जिस चीज़ को मैंने ग्रो किया है या जो चीज़ मेरे साथ मुंसलिक रही है वो किसी तरीके से मुरझा जाए। तो आपको उसके अंदर इन्वॉल्व रहना है, उसकी केयर आपको करनी है, मुसलसल उसको टेक केयर आप करते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है आपके, उसको आप उन्हें देखते रहो, सिर्फ स्टडी के लिहाज से आप उन्हें ना देखो कि वो टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, चीज़ें कर रहा है। जैसे समटाइम्स हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें किसी चीज़ से डांट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लेकर नहीं भी देते हैं, तो वो हमें सिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से हम लोगों को स्टूडेंट्स को समटाइम्स उनके साथ प्यार से और समटाइम उनको थोड़ा गुस्से से बताना है, लेकिन ये कि हमें उनका बिल्टअप बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज वी आर यू नो बिल्डिंग अप द नेशंस और जनरेशंस, तो ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुज, आपने बड़े शानदार तरीके से बता दिया कि टीचर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे उसके लिए क्या मानी रखते हैं और किस तरीके से टीचिंग करनी है और किस तरीके से उसका ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। अरुज आप तैयार है? मुझे कोई गिफ्ट हैम्पर मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, नजर नहीं आ रहा मुझे गिफ्ट हैम्पर। मोहब्बत को एक लाइन में बताओ। किसी चीज़ की केयर करना मोहब्बत है। अरुज कौन है एक लाइन में बताओ। अरुज वॉरियर है। इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? नहीं वैसे ये तो ज्यादती है एक लाइन में इसका जवाब। मोहब्बत किसी चीज़ को केयर करने को जो है वो या किसी पे भरोसा करने को शायद मोहब्बत कहते हैं, और मोहब्बत की इंतहा को इश्क कहते हैं। दोस्ती क्या है एक लाइन में बताओ। दोस्ती खूबसूरत है। अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में बताओ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे सोना आग में तप के कुंदन बनता है, तो इंसान जो है वो वक्त की चक्की में पिस के हीरा बनता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दो चीज़ें या दो सेंटेंस बोलने, आपने उसमें से एक सेलेक्ट करने। माउंटेन या बीच? बीच। फनी पर्सन या अट्रैक्टिव पर्सन? फनी पर्सन। फ्री वाईफाई या फ्री फूड? फ्री फूड। मैरिड लाइफ या बैचलर लाइफ? बैचलर्स लाइफ। गोल्ड या सिल्वर? सिल्वर। बचपन या जवानी? बचपन। फैमिली या पैसा? फैमिली। आपका ऑल टाइम फेवरेट कौन है? माय मॉम। मैं अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। जिंदगी के किसी भी लम्हे में, दिन में, रात में, किसी भी पहर उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। शी इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट पर्सन। अगर अपनी लाइफ में एक चीज़ चेंज करना चाहिए तो क्या होगी? लाइफ में अगर मैं अपने पास में एक चीज़ चेंज करना चाहूँ तो मैं एक डिसीजन मेकिंग का एक मुझे एक डिसीजन लेना था, उस डिसीजन को मैं चेंज करना चाहूँगी। हाँ, सबसे बड़ा डर क्या है आपकी लाइफ में? खो देने का डर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दे दिया। अगर आप अपने ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को टीचिंग के ऊपर, इश्क के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दें। मैं जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इस शो की इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मैं आप सबसे बात करने का जो मौका मुझे नेमत ने दिया उसके लिए मैं नेमत की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, जो यूथ को मैं मैसेज देना चाहूँगी, वो ये कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दील होने का या बदलने का नाम है। कभी किसी पेशेंट को आप देखें जब उसकी हार्ट बीट चलना बंद हो जाती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हम लोगों को नज़र आने लग जाती है, उसकी ECG की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हम लोगों को नज़र आती है। इसका यही मतलब है कि लेकिन अगर उसका दिल धड़कता रहे तो वो हमारे पास जो है वो अप्स एंड डाउन्स जो है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ मुसलसल बदलेगी नहीं, यानी कि आप सुबह उठें रूटीन में कोई एक काम, आप किसी एक स्पेसिफिक टाइम में उठे, आपने गाड़ी स्टार्ट की और आप जॉब पर चले गए, तो ये हमारे पास
अब ये मुझे कुछ वो डेड बॉडी की ECG स्ट्रेट ECG की तरह जो है वो मुझे चीज़ लगती है। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हर्डल अगर आप लोगों की लाइफ में आप लोग फेस करते हैं तो आपने उससे टेंस नहीं होना है या आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने स्ट्रगल करनी है क्योंकि ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है। और जब आप स्ट्रगल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी का ग्राफ कभी भी प्लेन डेड बॉडीज की तरह नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुज। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, हर चीज़ मुश्किल है और हर चीज़ आसान भी है। अगर देखा जाए तो मुश्किल बनाती भी हम हैं और आसान बनाती भी हमें। तो इंजॉय करते रहे अपनी लाइफ को, खुश रहे, आबाद रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।